बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एम हलाल फूड में सबको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं लजीज सा बारबेक्यू। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक चम्मच काली मिर्च ली, साथ में एक चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया, एक चम्मच खुश्क धनिया, एक चम्मच लहसुन और थोड़ा सा अदरक, और चुटकी भर हमने इसमें नमक शामिल कर दिया, थोड़ा सा फूड कलर और सिरका शामिल कर दिए। तो अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं इन मसालों को। ये देखें मसाले मिक्स हो चुके हैं तकरीबन। तो अब इसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। ये देखें इतना सा काफ़ी है पानी तकरीबन। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। इस तरह करके हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया। तो अब हम ये मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इस तरह करके, ताकि ये सारा इस गोश्त पर अच्छी तरह लग जाए। और इसको हम तकरीबन 3 घंटों तक रख लेते हैं ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह रच बस जाए। अब ये मिक्स हो चुका है। तो चले अब हम 3 घंटे बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसका कलर कैसा है। देखें 3 घंटे हो चुके हैं, तो फूड कलर भी इसमें ज़बरदस्त सा आ गया है। तो अब इसको हम इस तरह डाल देते हैं इन सीखों में। ये इस साइज़ की बोटियां लेनी है, ना ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी। मसालों की इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस तरह करके एहतियात से हमने एक एक बोटी इसमें इस तरह डालनी है। ये देखें इस तरह करके हमने सारे सीख तैयार कर लिए हैं। अब चलें अब इसमें ये सब्ज़ी भी डाल लेते हैं। तो हमने इसमें एक टमाटर डाल दिए, साथ में एक छोटा सा प्याज और कुछ शिमला मिर्च हम इसमें डाल देंगे इसी तरह। देखें अब ये बिल्कुल डन है। तो चलें अब हम इसको पकाते हैं। हमने पहले से कोयले गरम कर लिए थे और अब इस तरह करके हमने 1 बाय 1 सारे सीख इस पर रख दिए हैं। ये देखें अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे पलटते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो देखें अब ये बिल्कुल डन हो चुके हैं। तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन सारे अब डन हैं। यकीन जाने ये इतने लजीज होते हैं, आप भी ज़रूर बनाएं और फिर हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने जो बारबेक्यू बनाए हैं तो वो कैसे बने। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।